क्या मोहम्मद शमी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? क्या मोहम्मद शमी बीजेपी से एसोसिएट होने वाले हैं? इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रहे हैं और उसका रीजन है शमी की एक पोस्ट। अभी फिलहाल शमी जो लंदन में है और उनकी हील की एक सर्जरी हो रही थी जो कि सक्सेसफुली हो गई है, उसके बाद शमी ने एक स्टोरी डाली कि सक्सेसफुल हो गई है मेरी सर्जरी और अब यहां से रिकवरी स्टार्ट हो गई है, यहां से अब रिकवरी होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। उसके बाद मोदी जी ने उस पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि शमी मैं आपको स्पीडी रिकवरी और गुड हेल्थ विश करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपका इंटीग्रल करेज है ना और जितना जज्बा आपके अंदर है, ये इंजरी से आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे और ये जो सक्सेसफुल सर्जरी है ये उसका बस पहला स्टेप है, यहां से आप बहुत जल्दी रिकवर करके वापस से क्रिकेट फील्ड पर पहुंच जाओगे। उसके बाद शमी ने रिप्लाई करा कि ये एक वंडरफुल सरप्राइज है मेरे लिए कि पर्सनल नोट मेरे पास आया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर की तरफ से, जो मुझे स्पीडी रिकवरी विश कर रहे हैं। उनका उनकी काइंडनेस, उनकी थॉटफुलनेस मेरे लिए बहुत महत्व रखती है और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं मोदी जी का और हर उस इंसान का जो मुझे लगातार सपोर्ट कर रहा है और इससे मुझे बहुत जज्बा मिलता है। मैं लगातार हार्डवर्क करूंगा, मैं लगातार अपनी रिकवरी पर ध्यान दूंगा और बहुत जल्दी दोबारा से क्रिकेट फील्ड पर आ जाऊंगा। इसके बाद लोग ये कहने लगे कि क्या बात है, आजकल काफी ज्यादा बीजेपी से कनेक्टेड लोगों के आसपास दिख रहे हैं मोहम्मद शमी। आपको बता दूं कुछ दिन पहले आकाश सक्सेना जो कि रामपुर के विधायक हैं, वो भी बीजेपी से एसोसिएटेड हैं, उनके साथ भी दिख रहे थे शमी और वहां पर भी काफी फोटोज वगैरह आई थी, वहां पर भी ये बात उठी थी कि क्या बात है। और कुछ टाइम पहले जब हम वर्ल्ड कप हारे थे उसके बाद, अगर आपको ड्रेसिंग रूम की वो वीडियो याद है जहां पर मोदी जी शमी को गले लगाकर कहते हैं कोई बात नहीं शमी, कोई बात नहीं, होता है, बहुत मेहनत करी तुम लोगों ने, बहुत अच्छा करा, हार जीत तो मैच का हिस्सा है, कोई बात नहीं, वहां पर ही बात आई थी कि शमी को गले लगाए। तो लगातार शमी और बीजेपी के हम फोटोज, वीडियोस, बातचीत देख रहे हैं तो उस पर लोग अब ये कह रहे हैं कि कहीं ये इशारा तो नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में हमें शमी कहीं कैंपेन में सपोर्ट करते हुए या फिर कहीं वीडियोज में या कहीं कहीं भी दिखने लगे और हो सकता है क्रिकेट के बाद इसी लाइन में जुड़ जाएं। और क्रिकेट और पॉलिटिक्स का नाता कोई नया नहीं है, इससे पहले हमने देखा था मुरादाबाद से मोहम्मद अजहरुद्दीन को लड़ते हुए, और फिलहाल जो अमरोहा और रामपुर की बात हो रही थी, रामपुर के विधायक से मिले थे, खुद अमरोहा के हैं, उसमें भी बहुत डिस्टेंस नहीं है, बहुत आसपास के इलाके हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में मोहम्मद शमी बीजेपी से एसोसिएट हो जाए? खैर ये तो पास फ्यूचर की बात है और फिलहाल हमारा ध्यान बस इस चीज पर है कि मोहम्मद शमी जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, मोहम्मद शमी जल्द से जल्द जो जिस इंजरी से, जिस सर्जरी से जूझ रहे थे फिलहाल, उससे निकल करके अब अपना रिकवरी फेज स्टार्ट कर दें और बहुत जल्दी वापस से क्रिकेट ग्राउंड पर आ जाए। हालांकि आईपीएल 2024 में शमी आपको नहीं दिखेंगे, वहां पर वो इंजरी की वजह से पूरा उनका रेस्ट रहेगा, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में भी शमी के दिखने के चांसेस बहुत कम है, तो वहां भी आपको शमी नहीं दिखेंगे। उसके बाद कहीं जो श्रीलंका सीरीज है या फिर बिल्कुल साल के एंड अक्टूबर नवंबर में जाकर के हो सकता है शमी वापस से फुल फ्लेज्ड वर्क में आपको दिखाई देंगे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है वहां जाकर के आपको शमी दिख सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए हम उम्मीद करते हैं कि शमी जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, जल्द से जल्द दोबारा से वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, दोबारा से वो चलना फिरना और भागना शुरू कर दें। और तब तक के लिए ये सवाल भी ऐसे ही चलता रहेगा कि क्या मोहम्मद शमी और बीजेपी हाथ मिलाने वाले हैं? आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।